हेलो मामा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबा दें। हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, बट टेस्ट करने से वो संकोच में रहती हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना और टेस्ट कराना काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बहुत ही खास वीडियो, जिसमें कि आप घर में बैठे बैठे ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में घंटी दबाएं, ताकि आप ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियोस का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है ताकि ये कन्फर्म हो सके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो जैसे ही आप कंसीव करते हैं, वैसे ही एक HCG नामक हार्मोन होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, वो उस बढ़े हुए लेवल को माप करती है और ये बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कुछ चीजें जो आपके घर में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, आप उनका यूज करके भी अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म कर सकती है। इसके लिए आपको टेस्ट किट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करेगी प्रेगनेंसी कंफर्म करने में। तो वो है चीनी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक चम्मच चीनी लेनी है और याद रखना है कि आप एक चम्मच सुबह का यूरिन, द फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे, आपको मिक्स करना है। सो आपने एक कटोरी ली, उसमें एक चम्मच चीनी डाला और एक चम्मच सुबह का यूरिन। अब थोड़ा इंतजार करिए और देखिए उस चीनी के साथ क्या होता है। अगर वो चीनी यूरिन में घुल जाती है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव है। लेकिन अगर चीनी नहीं घुलती है, यानी कि उसके छोटे छोटे गोले जैसे बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। तो अब चीनी की बात तो हो गई, अब बात आती है नमक की। हाँ, नमक भी आपको हेल्प कर सकता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने में। इसके लिए क्या करना है, आपको एक कप लेना है, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर नमक डालनी है और अगेन फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे, यानी कि पहला यूरिन जो है वो उसमें मिक्स करना है। अगर इसमें झाग बन रही है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों, चीनी और नमक के बाद बारी आती है टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट तो बड़ी आसानी से हर घरों में मिलता है, लेकिन टेस्ट करने के लिए आप ध्यान रखें कि आप सफेद रंग वाला ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। तो क्या करना है, आपको दो चम्मच टूथपेस्ट लेनी है और उसमें थोड़ा यूरिन मिलाना है। अब देखिए क्या रंग बदल रहा है टूथपेस्ट का। अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो ये रंग थोड़ा नीले रंग का हो जाएगा आपका सफेद टूथपेस्ट, और साथ में थोड़े झाग भी बन जाएंगे। तो ये रहा आपका पॉजिटिव टूथपेस्ट रिजल्ट। तो अब बारी आती है सिरके की, यानी कि विनेगर। तो आपको सिरके से टेस्ट करने के लिए एक प्लास्टिक की कटोरी या कप लेनी है और उसमें डालना है थोड़ा सा सिरका। साथ ही में आप डाल सकते हैं फर्स्ट यूरिन। अगर सिरके का रंग बदलता है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, और अगर सिरके का रंग नहीं बदलता है तो इसका मतलब है रिजल्ट टेस्ट नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे खाने वाले सोडे की, यानी कि बेकिंग सोडा। तो आपको दो चम्मच बेकिंग सोडा लेना है एक कप या कटोरी में, और उसमें सुबह की यानी कि फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे मिक्स करनी है। अगर झाग बनता है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर झाग नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि हमने जितने भी अभी टेस्ट आपको बताए हैं, उनके रिजल्ट्स 100% सही नहीं भी हो सकते हैं या हो भी सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप टेस्ट करने के बाद एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो अब तक हमने जाना कि घर में जो सामान उपलब्ध है उससे हम कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट का सही तरह से कैसे उपयोग करें, ताकि हमें सही प्रकार से रिजल्ट मिल सके। तो ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स हैं, वो आसानी से आपको किसी भी शॉप में, मेडिकल शॉप्स में मिल जाएंगी, और जनरली ये 50 रुपए से लेकर 250-300 तक के रुपए में आपको मिल जाएंगी बाजार में कहीं भी। तो होता क्या है कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, वो कई प्रकार के होते हैं, 3-4 तरह के जनरली। तो जब भी आप यूज करेंगे, ध्यान रखें कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगी कि क्या कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो एक टेस्ट किट जो होती है, उसमें क्या होता है, आपको ड्रॉपर में यूरिन कलेक्ट करना है और एक छोटी सी होल होगी, उसमें बस आपको अपने यूरिन के वो ड्रॉप्स डालने हैं। 5 से 10 मिनट तक वेट करना है। अगर दो लाइन्स आ गई, जनरली ये लाइन्स पर्पल या फिर गुलाबी रंग की होती है, अगर दो लाइन्स आ गई है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है, और अगर दो लाइन्स नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स नेगेटिव है। और
जो दूसरी प्रकार के होते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उसमें क्या करना होता है, आपको कप में थोड़ी सी यूरिन लेनी है और आपको स्ट्रिप डुबोनी है। अगेन आपको वेट करना है 5-10 मिनट, और अगर रंग बदल रहा है स्ट्रिप का तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव है। रंग नहीं बदला तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। जो तीसरी प्रकार की होती है उसमें अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्लस साइन आता है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो नेगेटिव साइन आता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप टेस्ट इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके किट के ऊपर लिखे हैं उसे जरूर पढ़ें। तो जब हम टेस्ट किट की बात करते हैं तो एक सवाल है जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, वो है फेंट लाइन यानी कि धुंधली लाइन। कई बार क्या होता है कि महिलाएं ये सवाल लेके सामने आती हैं कि अगर हमारे टेस्ट किट में धुंधली लाइन आ रही है तो इसका मैं क्या मतलब समझूं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत हाई चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अभी आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो पूरी तरह से ब्लड में आया नहीं, सॉरी यूरिन में आया नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 3-4 दिन और इंतजार करें और फिर से टेस्ट को रिपीट करें। पूरी शॉर्टी है कि अगर गुलाबी लाइन पहली बार आया है तो वो डार्क पर्पल या डार्क पिंक में बदल जाएगा। दोस्तों, आप जब भी घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो इन कुछ खास बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहला, बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अपने पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट करें। दूसरा, आप इस टेस्ट के लिए अपने सुबह की पहली यूरिन का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको सटीक रिजल्ट मिल सके। कभी कभार होता यू है कि हम प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन हमारा टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है, या फिर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ दवाइयों का लेना या फिर कुछ और। ऐसा अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सही नहीं आया है तो कृपया करके अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको आज के हमारे इस वीडियो से जरूर थोड़ी मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया नीचे कमेंट करें और ये भी बताएं कि आगे आने वाले किन टॉपिक्स पे आप हमारा वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और घंटी बजाएं ताकि आप ऐसे ही आने वाले वीडियोस को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।